जनपद जालौन में अज्ञात कारणों के चलते प्रधान पुत्र पर दो फायर झोंके, लेकिन कहते हैं ना कि डाको राखी साइयां मार सके ना कोई। ऐसी ही एक कहावत यूपी के जनपद जालौन के कोच कोतवाली के ग्राम भदारी में देखने को मिली, जहां पर हेमंत अपनी बाइक से कुछ जरूरी काम से कोच जा रहा था। तभी गांव के लोगों ने ईंट पत्थर मारे और साथ में ही जब हेमंत ने पीछे मुड़ के देखा तो गांव के ही गोविंद ने 12 बोर का तमंचा निकाल कर दो फायर हेमंत के ऊपर झोंक दिए, जिससे दोनों फायर हेमंत के बगल से जा निकली और हेमंत बाल बाल बच गया। सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। वही पीड़ित हेमंत ने कोच कोतवाली में नाम जद कर तहरीर दे दी है। वहीं इस मामले में कोच सीओ शीशराम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही जल्द ही जेल भेजा जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। जालौन से हरिओम बोधौलिया की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। कहाँ के रहने वाले? आज क्या मामला हुआ था? कौन लोग आए थे? यहाँ से रास्ते से जा रहा था, पहुँच के लिए जा रहा था जी। तो रास्ते में गड्ढे थे, वहाँ मैंने गाड़ी थोड़ा स्लो किया तो वहाँ से एक जो लड़का था जिसका नाम गोविंद था उसने मुझे गुम्मा मारा पहले जी, ईंटा मारा था उसको, उससे तो मैं बच गया, लेकिन मैंने गाड़ी जैसी रोकी ईंटा गाला था उसने, तो वो दौड़ के आया, उसने मेरे दो तीन चप्पल मारी और एक दो मारे झापड़, और उसके बाद उसने फायर मारा वहीं पर, तो फायर वहीं पर फायर मारा उसने, तो उसके डर के वजह से मैं भागता हुआ सीधा यहाँ पर घर पे तरफ आया, तो सब लोगों को बताया कि उसने ये सब किया। कितने फायर मारे और उसने दो फायर मारे? तो अभी तक क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस आईपी बयान लेके चली गई, बयान लेके गई है पुलिस। तो क्या तुम्हारा कोई उससे कोई पुरानी बात चली थी क्या? कोई नहीं, मैं तो जानता भी नहीं था। बच्चा जा रहा था, कौन जा रहा था जी? रास्ते में गोविंद सिंह और हरिनारायण हनू और फ्लोरे जी लोग वहाँ पे बैठे थे, पीछे से एक पत्थर गाला तो वो बच्चा रुक गया कि क्या बात है। इसके बाद जब उसने मुड़ के देखा तो इन लोगों ने चप्पल मारे तो ये भागने लगा वहाँ से, तो पीछे से इन्होंने दो फायर किए, तो गिरा एक दो जगह, लेकिन गिरने के बाद वो अपने यहाँ अपने घर की ओर भागा तो इन लोगों ने बचा लिया। अच्छा, तो क्या कोई पुरानी बात चली थी क्या? नहीं, ये पैसे के लालची हैं, दोनों लोग गांव में परेशान भी कर रहे हैं, प्रधानी में भी परेशानी कर रहे हैं। अच्छा, तो पैसा मांगते हैं, अभी कब्जे भी किए हैं हर जगह से जो हम, तो क्या अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की आके? अभी तक पुलिस का कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो क्या आश्वासन मिला अभी तक? आश्वासन जब मिला है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे।